जय जिनन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो है इंडियन वेज तवा पिज्जा पराठा। इसे बनाना बहुत आसान है और आप तवे पे इसे आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना क्रिस्पी और जिसका चीज कितना बढ़िया मेल्ट हुआ है। तो चलिए झटपट से इसकी रेसिपी देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। वेज पराठा पिज्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा सान लेते हैं। तो मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, तो मैं गेहूं का आटा सान लेती हूँ। मैं यहाँ 3 कप आटा लूँगी। मैंने यहाँ 3 बड़े कप आटा लिया हुआ है, जितना आपको लगे आप उतना ले सकते हैं। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कलौंजी, ये 2 चम्मच दही है, इतना दही डाल दूंगी मैं। और मोयन के लिए थोड़ा सा तेल डालूंगी, तेल भी करीबन 1 बड़ी करछी आप मान सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे आप पराठों का आटा लगाते हैं, जो ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, ऐसा आटा लगा के मैं तैयार कर लूंगी। देखिए मेरा आटा सन के तैयार हो गया है और मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा सेट हो जाए। और फिर जब तक हम इसकी जो भरवा के लिए हमें जो सब्जियां तैयार करनी है वो हम तैयार कर लेते हैं। जब तक भरवा बनाने के लिए हम लेंगे बाउल। बाउल में डालेंगे सबसे पहले ये 1 कप ये उबले हुए मक्के के दाने हैं, ये चॉप्ड टमाटर्स और ये शिमला मिर्च है, ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज है और कुछ अनार के दाने हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें और कौन कौन सी सब्जियां मिक्स करनी है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी, ये ऑप्शनल है। 1 टेबल स्पून ये मैं टमाटो सॉस डाल दूंगी। इसमें ऑलरेडी टमाटो डाले से सॉस थोड़ा कम ही डालूंगी। ये 1 बड़ी टेबल स्पून में ऑर्गेन्जो या जो पिज्जा या जो भी पास्ता सिजलर्स आते हैं आप वो डाल सकते हैं, या मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, देसी तड़का देने के लिए मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज मैं इसमें थोड़ी देर में डालूंगी, वो आप देखिएगा आगे। हमारा भरवा मिक्सचर रेडी है। इसमें आप थोड़ी सी ककड़ी भी डाल सकते हैं। मैंने ये देखिए थोड़ी चॉप्ड करके ककड़ी भी डाल दी, ककड़ी खीरा जिसे हम बोलते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ये अमूल का चीज लिया हुआ है, क्यूब वाला। आपको जो चीज मिल जाए वो ले सकते हैं। अब मुझे एक लोई लेना है। मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। जैसे आप रोटी पराठा बेलते वैसे आपको इसे अच्छे से बेलना है। इसे आपको मोटा ही रखना है, ध्यान रखिएगा, एकदम पतला नहीं करना है। ये देखिए मैंने बेल लिया है, इसी की जैसे मैंने एक और रोटी बेल ली है। ऐसे मैं थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। मैंने अपना तवा गरम करने रख दिया है। अब देखिए मैंने इसमें ऑयल लगा दिया, अब इस मिक्सचर को मैं इस पर स्प्रेड करूंगी अच्छे से। आपको बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं, आपको किनारे छोड़ देना और ये लेना आपको क्यूब चीज का, उस पर अच्छे से आपको ग्रेट कर देना है। ये जो किनारों पे है ये आपको नहीं रखना है, नहीं तो इससे हमारा पराठा फट सकता है, इसलिए मैं किनारों से हटा दूंगी। अब आपको लेना है दूसरी, ये जो मैं ऑलरेडी रोटी बना के रखी थी इसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसे इस पर अच्छे से फैला दूंगी। ऑयल लगाने से ये फायदा है कि इजी चिपक जाएगा अच्छे से। एक बार मैं इसे हल्का सा बेल दूंगी। ये देखिए रेडी है हमारा पराठा, पिज्जा पराठा हमारा बनके रेडी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। आपको ये लगता है कि ये एक्स्ट्रा, तो आप इसे एक्स्ट्रा को हटा भी सकते हैं।
मैं एक कटर की मदद से जो एक्स्ट्रा है ये हटा दूं। देखिए मैं पराठा एकदम एक सा दिख रहा है, अभी इससे मैं गरम तवे पे डाल देती हूँ। ये मेरा नॉर्मल लोहे का तवा लिया है, मेरा तवा अच्छा गर्म हो गया। एक बार मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहे तो घी से, बटर से, ऑयल से, जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। यहाँ मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं पराठे को जब तक मेरा ये पराठा सिक के रेडी हो रहा है, जब तक मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। इसे मैंने पलट दिया है और आप ध्यान रखिए इसे आप मध्य आंच में अच्छे से पकने दीजिए, तभी अंदर की जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक पाएंगी। हमने इसे पलट दिया, हम इसे अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। जो हिस्सा नहीं सिका है उस पर हम अच्छे से तेल लगा देंगे और इसे अच्छे से अलट पलट के अच्छे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। देखिए हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी हो गया, सिक्के एकदम रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा वेज तवा पिज्जा पराठा बनके रेडी है। दिख रहा ना कितना यमी, इस चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी है, इवन इसकी लेयर भी बहुत अच्छी बनी आप देख सकते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ये होममेड रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।